नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक सवाल आपको पूछने वाला हूं कि आप दिन में बहुत बार खाना खाते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप डेफिनेटली डायबिटीज की तरफ मार्गक्रमण कर रहे हैं। आपको अचरज होगा इस बात से, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हर 2-3 घंटे के बाद खाना चाहिए और इसलिए वो खाते ही रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहते। आज मैं आपको बताऊंगा, ये जो आदत है बार बार खाने की, इससे आपको डायबिटीज कैसे हो सकता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब हर बार हम खाते हैं तो खाने के बाद हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन नाम का हार्मोन निर्माण होता है। ये इंसुलिन जो है, इसका कार्य यह है, जब खाना खाने के बाद पाचन क्रिया में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, ये जो एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, इनका इस्तेमाल करना इंसुलिन का कार्य है। इसलिए खाना खाने के बाद वो निर्माण होता है। इंसुलिन निर्माण होने के 2 तरीके हमारे शरीर के अंदर है। एक को हम बोलते हैं बेसलाइन सेक्रेशन, का मतलब 24 घंटे आपके पैंक्रियास से थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निर्माण होता है। इसकी मात्रा दिन में 18 से 32 यूनिट होती है। खाना खाने से जो इंसुलिन बनता है, ये अपेक्षा रहती है, ये भी 18 से 32 यूनिट तक निर्माण होता है। इंसुलिन पहले तो काम करता है कि जो खून में ग्लूकोज है उसको आपके सेल के अंदर पहुंचाता है। इस सेल के ऊपर एक दरवाजा है या लॉक है, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। उनको खोलने का काम इंसुलिन करता है। उसके बाद में अगर और अधिक ग्लूकोज शरीर के अंदर है तो उसका रूपांतरण इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन में होता है और आपके लीवर में और मसल्स में स्टोर किया जाता है। ये 2 कार्य होने के बाद अगर और ग्लूकोज आपके खून में है तो उसका कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से फैटी एसिड या चर्बी में होता है और आपके शरीर में उसको स्टोर किया जाता है। तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से हम मोटे हो जाते हैं। उसके बाद में हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, उसके बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो अगर इंसुलिन बढ़ने से ये सब चीज़ें होती है, और इंसुलिन निर्मित के बारे में जैसा मैंने आपको कहा कि बेसलाइन सेक्रेशन जो 18 से 32 यूनिट होता है, ये हमारे नियंत्रण के बाहर है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंसुलिन खाना खाने से बनता है उनकी 3 विशेषता होती है। एक, हर बार खाएंगे तो विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन निर्माण करेंगे। दूसरा, कम भी खाएंगे ज़्यादा भी खाएंगे ना ही इंसुलिन बनाएंगे। तीसरा, एक बार बनाने के बाद 55 मिनट फिर से नहीं बनाएंगे। बार बार खाने से क्या होगा, इंसुलिन बार बार निर्माण होगा और इंसुलिन की लेवल आपके खून में बढ़ेगी, उसकी वजह से आप मोटे हो जाओगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होगा। अब खाने का मतलब क्या है कि आपने सुबह चाय में 1 चम्मच शक्कर डाला तो भी वो खाना है, 2 चॉकलेट खाए वो भी खाना है, 2 चपाती सब्जी खाई वो भी खाना है। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी बात है। लोगों को पूछता हूँ कितनी बार खाते हो, वो कहते हैं हम तो लंच और डिनर 2 ही बार खाते हैं। लेकिन जब बाद में पूछते हैं तो बोलते हैं चाय तो 5 बार पीते हैं, कॉफ़ी 2 बार पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। इस प्रकार से 10-15-12 बार लोग खाते हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपको डायबिटीज से दूर रहना है तो आपको शरीर में जो इंसुलिन के लेवल है उसको कम करना है। उसको अगर कम करना है तो आपको, आप तो जानते हो अभी कि बेसलाइन सेक्रेशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो सिर्फ जो खाना खाने से बनता है उसकी मात्रा कम कर सकते। इसलिए अगर मैं आपको पूछूं कि अभी क्या करोगे, कल से कम खाओगे या कम बार खाओगे, तो यकीन है कि आप बोलोगे कि कम बार खाना, ये हमारे समस्या का हल है। इसलिए दिन में 2 बार खाना खाओ, यानी कि इंसुलिन निर्मित दिन में 2 ही बार करो, तो मुझे यकीन है कि आपका वजन कम होगा, पेट कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस दूर होगा, और अगर आपको डायबिटीज अगर होने वाला है तो उससे आप काफ़ी दूर रहोगे। मुझे यकीन है कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ऐसी जानकारी आपके पास जल्दी पहुँचे इसलिए डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।